हेलो फ्रेंड्स, तेजी स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्क्वायर रूट से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, जो कि हमारे कंपटीशन का काफ़ी महत्वपूर्ण समय खपा देता है। तो आज उसी के बारे में हम बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए कि हम 1 से 9 तक के स्क्वायर रूट की यूनिट्स लिख लें। तो चलिए लिखते हैं। इस तरीके से हम सबकी यूनिट डिजिट को लिख लेंगे, जो कि 1496569942। इस तरीके से याद करने में भी देखिए, 1 से 5 तक इधर बढ़ रहा है, 1 से 6 तक, फिर 5 कॉमन हो रहा है, और फिर इधर से 1 से 6 तक ऊपर अपोजिट बढ़ रहा है। तो इसलिए यूनिट डिजिट हम लोग इस तरीके से इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब आते हैं मेन अपने क्वेश्चन पे, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके दो दो पेयर बना लेंगे। फर्स्ट पेयर ये होगा और सेकंड पेयर ये होगा। पीछे के पेयर में देखेंगे कि किस स्क्वायर में 5 आ रहा है। तो किस स्क्वायर में आ रहा है यूनिट डिजिट 5, 1, 4, 5, इसमें 5 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, तो सिंपली हम 5 लिख देंगे। अब इसको भूल जाएंगे, इस पेयर को भूल जाओ और फर्स्ट पेयर को देखते हैं। फर्स्ट पेयर में 72 है, ध्यान देना है 72। इससे पहले कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट हो जा रहा है। तो 8 8 जा 64 एक ऐसा डिजिट है जो कि स्क्वायर रूट है। उसके बाद 81 है जो कि इससे बड़ा है, तो हमें बड़े पे नहीं जाना है, इससे ठीक छोटा और स्क्वायर रूट। तो 8 और हमारा स्क्वायर रूट निकल के तैयार विद इन 2 सेकेंड में। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, इसमें भी दो पेयर बनाएंगे लास्ट में। इस तरीके से 5 है, 5 सिर्फ इसमें आता है 5 के स्क्वायर में, तो इसमें 5 लिखेंगे इस पेयर में। 42 किसका है, 36 स्क्वायर रूट में आएगा, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 49 से 42 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेंगे 6 6 6 जा 36। तो 65 का स्क्वायर रूट 4225 होगा। अगला क्वेश्चन इस तरीके से देखते हैं, कितना आसान है देख रहे हैं आप ट्रिक के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से पेयर बनाएंगे और 49 में 9 किस में आता है। तो यहाँ पे देखेंगे 9 किस में आता है, 3 में आ रहा है, 3 में 9 आ रहा है और 7 में 9 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला 3 है और दूसरा 9 है, तो 7 है, सॉरी, पहला 3 और दूसरा 7 है। तो इसमें अब दिक्कत ये है कि 3 लिखें या 7 लिखें। तो इसको जानने के लिए हम दूसरे पेयर में आते हैं, 18 को वही फंडा कि पहले क्या देखेंगे, इसमें स्क्वायर रूट वाला कौन सा ऐसा डिजिट है जो इसके नज़दीक और छोटा है। तो कौन सा है, 16, जो 4 का स्क्वायर होगा। तो 4 ऐसे लिख लेंगे, 4 से एक डिजिट ज़्यादा, दैट मीन्स 5 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और 4 5 जा 20। अगर 20 इससे ज़्यादा आता है, यानी कि अगर ये डिजिट ये जो आ रहा है इसका, ये इससे बड़ा है, यानी कि ये छोटा हो रहा है, तो हम छोटा लेंगे। अगर ये जो आ रहा है इससे छोटा आ रहा है, यानी कि ये बड़ा प्राप्त हो रहा है, तो अगर इस और इस कम तुलना में कौन सा बड़ा प्राप्त हो रहा है, कौन सा छोटा प्राप्त आ रहा है, इसी में देखेंगे। अगर ये छोटा प्राप्त हो रहा है तो छोटा लेंगे, अगर ये बड़ा प्राप्त हो रहा है इससे, तो ये
बढ़ा लेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 20 से 18 छोटा है, इसलिए हम 3 को लेंगे। तो यहाँ पे इसका 4 ले लेंगे और इसका 3 ले लेंगे। जस्ट इतना करने का सिर्फ मेन पर्पज़ क्या है कि हमें 3 लेना है या 7 लेना है इसको निकालने के लिए। तो हमारा क्या हो गया, 4 और 3, 43 का ये स्क्वायर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी वैसे पेयर बनाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि 6 किस में आ रहा है। तो 6 4 के स्क्वायर में आ रहा है और 6 के स्क्वायर में आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे 4 और 6। फिर वही काम, यहाँ पे क्या करेंगे, 3 3 जा 9, तो 3 कम से लगभग नज़दीक इसके स्क्वायर रूट में मिल रहा है। तो 3 9 मिल रहा है, तो उसका स्क्वायर, तो इसके मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है। अब दिक्कत ये आ रही है कि 12 ये भी है और 12 ये भी है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में हमें याद रखना है कि हमेशा हम बड़े वाले का चुनाव करेंगे। अतः इससे स्पष्ट होता है कि ये छोटा रहेगा तभी इसको छोटे वाले को लेंगे, बराबर इसके रहेगा या इससे बड़ा रहेगा तो क्या करेंगे, हमेशा बड़े वाले का चुनाव करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें इसका 3 मिल गया और इसका 6 मिल गया, अर्थात 36 आंसर हो गया, 1296 का 36 स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फिर वैसे निकालेंगे, इसका दो और यहाँ पे क्या करेंगे, 16 का 6 किस में आ रहा है, 4 में आ रहा है और 6 में आ रहा है। तो कौन सा लेंगे, यहाँ पे आते हैं, 82 81 स्क्वायर रूट मिल रहा है इसके नज़दीक, तो 9 का होगा, 9 1 एक और जोड़ के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 10 जा कितना होता है 90, जो कि इससे छोटा आ रहा है, दैट मीन्स ये बड़ा आ रहा है। तो ये बड़ा आ रहा है तो कौन सा लेंगे, बड़ा वाला लेंगे। तो इसमें पहला 9 हो गया और दूसरा बड़ा वाला, यानी कि 96 का स्क्वायर रूट ये है। अगला क्वेश्चन इस तरीके से देखते हैं, 69 को लेंगे और 75 को लेंगे। फिर अब इसमें देखेंगे कि ये 9 किस में आ रहा है स्क्वायर रूट, 7 में आ रहा है और 3 में आ रहा है। इस तरीके से 7 और 3 में यूनिट डिजिट 9 आती है। तो कैसे चेक करेंगे, इसमें 75 में 64 हो गया, इसके नियरेस्ट 64 हो गया, 8 8 जा 64, तो 8 और एक, इसको चेक करने के लिए इसको इस एक डिजिट ज़्यादा से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 9 8 जा 72, तो 72 ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाला, ये कम होगा तो कम वाला, तो ये ज़्यादा आया इससे, तो यहाँ पे हम ज़्यादा वाला लेंगे। तो पहला डिजिट 8 ही होगा, दूसरा डिजिट 7, यानी इसका 87 स्क्वायर रूट ईजिली निकल आया। इसी तरीके इसको देखेंगे, 2 का पेयर इसको भी बनाएंगे। अब स्पीड बढ़ रही है और ऐसे ही देखते ही हम लोग थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करके विद इन 2 सेकेंड देखते ही आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसका होगा, ये 4 का होगा, ये 6 का होगा, ये होगा 8 8 जा 64, 8 8 9 जा 72, 72 ज़्यादा है, ये छोटा है, तो छोटा है तो इसका 4 लेंगे। तो यहाँ पे 8 और 4, यानी कि ये 84 का स्क्वायर रूट है। ठीक इसी प्रकार इसको देख लेंगे, 61 और 47 का, तो इसमें क्या होगा, 1 किस में आता है, 1 में, और किस में आता है, 9 में आता है। तो अब देखो 1 और 9 में कौन सा लेंगे, इसमें चेक करने के लिए यहाँ जाएंगे, तो 36 इसका स्क्वायर रूट मिलेगा। तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से 1 ज़्यादा से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, तो 7 6 जा 42, कौन ज़्यादा है, 42 कि 47, 47 ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाला, ये इससे, ये वाला इससे कम होगा तो कम वाला, तो ये ज़्यादा है तो इसलिए ज़्यादा वाला, पहला नंबर 6 और दूसरा नंबर 9। तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट देखते ही किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड में। तो अगर आपको इस ट्रिक को पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।